मैं ही हूँ तुम्हारा हीरो। ओह गॉड, एक और फेक अकाउंट। दीपी देख जरा इसका, ना आपको हीरो कह रहा है। मार्केट में जितने नकली नोट नहीं है उससे ज्यादा नकली तो इसके फेक अकाउंट है। मुझे भी किलो किलो मैसेजेस आ रहे तेरे फैंस के। ये देख कहाँ, इसमें तो है कुछ नहीं है। फोन ही हैंग हो गया मेरा इनके मैसेजेस के चक्कर में। मैं तो बोलती हूँ इनका डेटा पैक खत्म हो जाए, फॉलोवर्स जीरो हो जाए, अकाउंट ही हैक हो जाए। मुझे उसे जल्दी मिलना है यार। जल्दी जल्दी उठो मेरी आंगरी बच, देखो नया सूरज एक नया दिन लेकर आया है, एक नई कहानी लिखने आया है। उठो, कम ऑन, उठो नी, उठ जाओ जल्दी, कम ऑन। क्या बात है भैया, सुबह सुबह इतनी एनर्जी। अरे होना क्या है स्वीटी, ज़ारा आई होगी सपने में, वो भी बेड टी के साथ। अरे नहीं नहीं नहीं, और भी गम है जमाने में इश्क के सिवा। चलो बहुत मारूंगा तुम लोगों को, इधर आओ। कुछ तो पक्का स्पेशल है, बताओ ना भैया प्लीज। अरे वो सब छोड़ो स्वीटी, तू ना अपना फेवरेट केक बना देना, आज बहुत दिनों के बाद मीठा खाने का मन कर रहा है। ओके डन। और मीठी तू ना वो अपनी फेवरेट वाली प्लेलिस्ट रेडी कर ले, पार्टी वाली। ओके रेडी, चलो मिलते हैं फिर, बाय। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग मामी जी। लो, आज चाय मैं सर्व करूंगा। क्या बात है, आज तो बंदे का मूड ही कुछ अलग है। गुड मॉर्निंग मामा जी। गुड मॉर्निंग मामी जी। मेरा सभी आया, तू ठीक है ना? पता नहीं अब कौन सा नया ड्रामा शुरू होगा। तेरे 25 मिस कॉल आए थे। अंटू, पापा की चिट्ठी मिली। क्या? स्वीटी बेटी को नहीं पता है। घर क्या रहे हैं लोग? पता नहीं। क्या बात है बच्ची, वाओ दिस इज माइंड ब्लोइंग। कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं यार, देखो दे रहा है। सारा का नोटिफिकेशन। ये चल क्या रहे हैं दोनों के बीच में? जो भी है हमें क्यों नहीं बता रहे? ढूंढना पड़ेगा। बच्ची तेरा तो टाइम आ गया ना, एक तरफ है तेरे पापा का लेटर, दूसरी तरफ है तेरी विजय ज़ारा के साथ मीटिंग। अरे तेरे तो दोनों हाथ में लट्टू है। कैसे होगा यार? अरे हो जाएगा ना, ब्लैकआउट रात को होने वाला है, ज़ारा को तो मिल सकता तू। मैनेज तो करना पड़ेगा। अरे मैनेज तो कर ही लेगा। और वैसे भी नर्वस क्यों हो रहा है तू? थोड़ी जा रहा है ज़ारा को मिलने, हीरो बनता जा रहा है। पब्लिक में डिमांड है अपनी। अरे सवाल, क्या बात है, पापा और पापा की बहू। आया कोई मैसेज उस असली हीरो को या नहीं? जितने भी मैसेजेस आए सब फेक ही लग रहे हैं। देख शहर में ढिंडोरा पीटने की जगह मुझसे कह दिया होता, पहली बार कुछ मांगा है तुमने, मना नहीं करूंगा। तो स्काई व्यू बिल्डिंग की छत पे मिलते हैं रात को 10 बजे, तुम्हारा हीरो शानू। Bye.
मुझे कैसे पता कि ये तुम ही हो? अब ये कैसे प्रूफ करूं मैं? कोई ऐसी बात बतानी होगी जो सिर्फ सारा को पता हो। त्रिशूल तो याद है ना, या गुंडों की धुलाई या फिर वो एयरलिफ्ट। ये वही तो नहीं? वहां हम दोनों के अलावा भी कई लोग थे। पर मेरी हार्ट बीट तो सिर्फ तुमने सुनी थी। कौन है? मैं हूं। ये वही है, ये हीरो ही है। हीरो ही है शानू, हीरो ही है। फाइन, मैं आऊंगी तुमसे मिलने। कूल, जस्ट डोंट बी लेट। सुपर कूल। शानू, हाँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं जाऊँ ना? ऑब्वियसली जा, और पूरी तैयारी के साथ जा। खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है, क्या पता वो हीरो एलियन निकला तो। तो गई हूं मैं मिलने, पर पता नहीं क्या होगा। ओह गॉड, पहली बार ज़ारा से ऐसे मिलने जा रहा हूं। पेट में ना गुड़गुड़ी हो रही है बहुत तेज। कितनी बेचैन है मुझसे मिलने के लिए। क्यूट। ज़ारा, मैं हूं हीरो। ये सब करने के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? यू वांट टू किल मी? सॉरी, पहली बार ऑफिशियली मिल रहे तो आई वांटेड टू मेक श्योर कि तुम एलियन तो नहीं हो ना। मैं भी इंसान हूं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे भी बिजली के झटके लगते हैं। मुझे कैसे पता अकेली लड़की को अकेले बुलाया मिलने ऐसे? गलती हो गई, पर तुम्हें क्या लगता है मेरी नीयत खराब है? शकल तो दिखी नहीं, नियत कैसे दिखेगी?
तो मेरा नाम हीरो क्यों रखा? विलन रख देती। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नाम मैंने नहीं रखा। ओके ओके ओके, और कोई टॉर्चर बाकी है? खोलता हुआ तेल, बंदूक। तुम तो सच में ले आई। ये तुम क्या कर रही हो ज़ारा? मुझे पूरा का पूरा देख सको और मैं जरा सा भी नहीं, नॉट फेयर ना, इसलिए आई होप यू डोंट माइंड। और कोई ऑप्शन है मेरे पास? वैसे कलर सूट्स यू। प्लीज ऐसे हो? Handsome. हाँ. नहीं नहीं, invisible. हमेशा से? खानदानी है. Oh, parents भी? Mom, dad, invisible? Dad नहीं. Mom. Accident के mood पे depend होता है. ओ तो तुम भी mood के हिसाब से visible और invisible होते हो? नहीं, मैं हमेशा गायब रहता हूँ. Fan following से बचने के लिए, you know. Right right. सच में alien से ही लड़ते हो कि कोई और भी agenda है? वो metro bridge वाला? थाम्बा थाम्बा madam थाम्बा. ना तो तुम्हारा टॉक टाइम खत्म हो रहा है ना मेरी वैलिडिटी। सवालों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन ये शाम दोबारा नहीं आएगी। मतलब मतलब कि शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से तुम ये खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करो, और तब तक मैं अपने सामने का ये खूबसूरत व्यू एंजॉय करता हूं। ये शाम मैं सच में याद रखूंगी। अलोमा को प्रॉमिस कर तो दिया, लेकिन हीरो को पकड़ूंगा कैसे? याद रखेंगे एलियंस रॉकी को। ऐसा काम करके दिखाऊंगा ना, इन टावर्स की छत पे हीरो अक्सर दिखाया। यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? वहां पे जाके देखता हूं, कोई क्लू तो मिलेगा। अब क्या मैं तुम्हें एक बार देख सकती हूँ? नॉट पॉसिबल। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच में हो? मुझे फील तो होना चाहिए ना तुम हो, बस एक बार प्लीज। फील होने के लिए देखने की नहीं, फील करने की जरूरत होती है। तुम चाहो तो मेरी दिल की धड़कन को सुन भी सकती हो और महसूस भी कर सकती हो। Thank you.
मुझे ढूंढना है तो रात को ये शहर जब रोशनी से भर जाता है तब उस ऊंचाई से तुझे एक कोने में अंधेरा दिखेगा और वहीं मिलेगा तुझे मुझ तक पहुंचने का सुराग। ब्लैकआउट यानी पापा का सिग्नल। सॉरी जारा, मुझे जाना होगा। हीरो, हीरो, से अचानक से चला गया। कितना कुछ पूछना था मुझे। सो स्ट्रेंज। बेटा हीरो, सो रहे हो क्या? तू दिख नहीं रहे। चानू, हीरो इज रियल। वो तुम्हारी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है। अब कैसा लगा? मतलब ऑब्वियसली इट वाज वियर्ड, पर अच्छा था। आई मीन, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं उसके बारे में अच्छा कहूंगी, बट इट वाज नाइस। मुझे ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आए उसमें से। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चार्मिंग है, मिस्टीरियस है, सेंस ऑफ ह्यूमर है और एक अलग ही कॉन्फिडेंस है बंदे में। और ना एक सच्चाई है उसमें, ऐसा मुझे लगा। आई डोंट नो। छोड़ दो। चल। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? छोड़ दो मेरे बेटे को। बोला था ना, अगर पैसे वापस नहीं करेगी तो तेरे पिल्ले को उठा के लेके जाएंगे। चिंटू तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम लोग छोटे छोटे बच्चों से ड्रग सप्लाई करते हो। छोड़ दो मेरे बेटे को। कान खोल के सुन लो, कोई बीच में नहीं आएगा नहीं तो तुम्हारी बस्ती जला देंगे। हटो। छोड़ दो। तू ऐसा नहीं मानेगी ना, तुझे अभी मजा चखा था। हमें गुंडों से बचाओ। किसकी इतनी हिम्मत? हीरो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।